हजी सर्दी है। टेक अवे जो मैं हमेशा याद रखूंगी, ये आइडिया श्रेया ने दिया था कि और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये बज रहे शाम के साथ और नायरा को देखने तो ऐसा होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी वो क्या होने वाला है वो आप कल के Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. You're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chances, they are nothing for me. Good morning everyone, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। बज रहे हैं सुबह के 10:30 बस। हम लोग नाश्ता वाश्ता करके हो गए हैं फ्री और यहाँ पे हमारी मैडम। हेलो नायरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। શું કરે છે તું? કશી ફજોઈ છું। ઓ વાહ વાહ, ક્યાંથી લાવી? લે બહારથી લઈ આવી। ક્યાં બહારથી? ક્યાંથી? ઓ તું બહાર ગઈ હતી? હા। How are you today? તને કેમ છે આજે? आज मारे सर्दी छे। हजी सर्दी छे? आ तो शू पहेर्यु छे? ई माय ड्रेस छे। हां, तने गमे छे आ ड्रेस? ओके। तने ई पिंक पिंक छे। यस, पिंक ड्रेस अने पिंक पिंक पीन। हां, तो मैडम ने सुबह सुबह भाई नया ड्रेस पहन लिया है और बेल्ट भी छे। तो कल रात को फिर मैंने कैसे किया था कि उसको तभी तो स्टीम दिया था पर ज़्यादा नहीं लिया था। तो जब वो सो गई थी, यस बटरफ्लाई, तो जब वो सो गई थी तो मैंने उसको सोते टाइम पे थोड़ी स्टीम दी थी ऐसे कपड़ा रख के। और फिर थोड़ा टाइम ऐसे रूम में भी स्टीम ऑन रखा था ताकि थोड़ा मॉइस्चर जमा हो जाए, ड्राई एयर ना रहे। तो उसको कम खांसी आई थी कल। सो यस, ये एक टेक अवे जो मैं हमेशा याद रखूंगी। ये आइडिया श्रेया ने दिया था कि स्टीम दो बच्चे को। और स्टीम से बहुत फ़र्क भी पड़ा क्योंकि लॉजिक भी सही है कि आपके यहाँ पे ड्राई एयर होती है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी आती है। इनफैक्ट हमको भी आती है जब खांसी होती है और सो जाते हैं, सब ड्राई हो जाता है। तो पर जैसे ही वो स्टीमर ऑन किया, थोड़ा हवा में मॉइस्चर आया तो उसको कम खांसी आई और ओवरऑल उसकी खांसी भी कम हुई क्योंकि 4 दिन हो गए एंटीबायोटिक के। सो यस, आप भी ट्राई करना कभी भी ऐसा है तो। अगर आपके पास वो ओह नायरा ने शू लगाव्यु छे? ऊपर मारे बैंडेज लगाव्यु छे। केम लगाव्यु? पण मारे એને લગાવવું છે। અચ્છા, તારે લગાવતું એટલે। ओके, तो यस गाइस, आप भी ये ट्राई करना। मॉइस्चर वाली एयर रहे रूम में तो उससे अच्छा रहेगा खांसी में, स्पेशली रात को कम खांसी आएगी। बाकी भाई पथारा प्रोग्राम एज़ यूजुअल चालू है। ये देखिए पूरा घर। तो बस अभी मैं यही करने वाली हूँ, पथारा क्लीनिंग। दिवाली का काम तो साइड में ही है। पूरा वीक गया हमारी मैडम की सेवा करने में। एनीवे, शी इज़ फाइन, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो बस फटाफट अभी काम पे लगते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बज रहे हैं शाम के 5। मैं हो गई हूँ फ्रेश आज और एकदम अच्छी सी धूप आई है। देख लीजिए भाई, मतलब एंजॉय कर रहे हैं लास्ट फ्यू डेज़। अभी 5 बजे भी धूप, थोड़े दिनों में 3:30 बजे अंधेरा होने वाला है और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये संडे से ही लाइक 27 अक्टूबर से ही क्लॉक चेंज हो रही है। तो अभी इंडिया और लंदन के बीच में 4:30 के मतलब यूके के बीच में 4:30 की बजाय 5.5 घंटे का डिफरेंस होने वाला है। और भाई हमारे इधर 3:30 बजे अंधेरा होने वाला है। सो जितना भी टाइम मिले धूप के साथ बस एंजॉय कर ले। और थोड़ी देर में नायरा के साथ कोई खेलने भी आने वाला है, बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा। फ़िलहाल नायरा आराम कर रही है तो मैंने सोचा जो थोड़े छोटे मोटे काम है वो निपटा लेते हैं और फिर बनाएंगे धुआड़ा मारती हुई चाय। Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away I saw so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my way. आज रहे शाम के साथ और नायरा को देखने आ रहे फ्रेंड्स नायरा के। हाय नायरा से मिलने। हाय आलिया, हाय आलिया। आओ आओ आओ। ओह ठंडी चाय ना? ओके। बज रहे हैं शाम के 7:30 और जैसे आप लोगों ने देखा हमारे घर पे आए हैं हमारे स्पेशल मेहमान, आज स्पेशली नायरा की तबीयत पूछने के लिए और नायरा को देखने के लिए। एंड नायरा का मतलब आधी बीमारी ही इसकी दूर हो गई इन लोगों को मिलके। हेलो हाय। तो यहाँ पे आलिया और धारा केयूर एंड हमारा आर्यन सब लोग आज स्पेशली नायरा को मिलने आए हैं। और नायरा को सच बताऊँ तो नायरा को ये अभी तक इसने खांसी नहीं खाई थी, लेकिन ना मैं वो कह रहा था कि भाई इन लोगों को देख के ना इसकी आधी बीमारी दूर हो गई। मतलब इधर उधर बस उछल कूद रही है, इन दोनों बच्चों के साथ इतना खेल रही है। और ये लोग इसके लिए कुछ स्पेशल टॉयज़ भी लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सो ये है कुछ ऐसा बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, टिल टिल बोलते हैं। ये सेंसबरी में नहीं होता वो बिल बनाते वैसा टिल टाइप है। तो ये नायरा तेरी गिफ्ट तो बताओ था ना बताने। चल 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 ओ वाह बिल कह रू एने ते बिल कह रू तने गईमू भाई ने आया, भाई ने दीदी आया तने गईमू। आई यू हैप्पी? वेरी गुड। ये मुझे लगता है इनको देख के ये आज ठीक हो जाने वाली है। पानी चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे डिनर टाइम स्टार्ट हो गया है। नायरा को तो कोई इच्छा नहीं है खाने, क्योंकि नायरा को यहाँ पे भी टॉयज़ और बच्चों के साथ आ गया है मज़ा। और एक तरफ यहाँ पे हमारे बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्या खा रहे हो बच्चों? मैगी। तो बच्चे यहाँ पे मस्त मैगी एंजॉय कर रहे हैं और नायरा मस्त खेल रही है। और यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म सुबह से खुशबू आलू पराठा। आलू पराठा बन गया, चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो मस्त गर्मा गर्म आलू पराठा हो गया रेडी। तो बस कुछ ऐसा है हमारा सिंपल सा डिनर है। अभी ये लोग आए थे तो हमने बोला कि गाइस आप लोग आए हो, फर्स्ट टाइम आए तो आज आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। सो बस अभी इनके साथ डिनर विनर का प्लान है। अभी यहाँ पे हमने मस्त अपना चद्दर वद्दर मस्त बिछा दिया, यहाँ पे बैठ के मस्त हमारी पंगत लगेगी अभी खाने की। तो चलो शुरू करते हैं। मस्त आलू पराठा बनाए, मिनी मिनी आलू पराठा, वेरी क्यूट, बहुत अच्छा क्यूट। धारा का फेवरेट आलू पराठा। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट है। सोने पे सुहागा हो गया मतलब आज तो। आलू पराठा, आई लव आलू। क्या बात है। चलो लिटिल लिटिल मैगी है ना पापा पे नहीं तो। बच्चों का डिनर तो हो गया था कंप्लीट, हमारा भी डिनर हो गया कंप्लीट। बस यहाँ पे गप्पे शप्पे लड़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक तरफ देख लो भाई हमारी जनता, हमारे बच्चे देखो कितना मस्त पेंटिंग कर रहे। वैसे ये तो हमारी खास पेंटर है ही, बराबर के नहीं आलिया? दोनों आलिया और आर्यन ने तो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी शुरू कर दी है। वाह भाई। आर्यन क्या बना रहे हो? आर्यन शू बनावे छे? स्पाइडरमैन। वाह। सो देखो यहाँ पे मस्त बच्चे बिजी हो गए। और नायरा को भी, नायरा भी देखो नायरा शू बनावे छे? नायरा हाउस बनावे छे, हाउस। ओ वाव। रात के बज रहे 10:30। धारा केयूर और बच्चे अभी थोड़ी देर पहले गए और जब वो लोग जा रहे थे तब हमारी मैडम सो गई। और अचानक से अभी 5 मिनट हुए माँ वापस उठ गई और इतनी डबल एनर्जी के साथ उठी है कि क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पूरा मतलब सुपर फ्रेश होके उठी है। और अभी वो जो टॉयज़ वो लोग लेके आए थे बस उसी से खेल रही है। और नायरा से ज्यादा मैं खेल रही हूं। पर ये इतना मस्त है, देखो ये ना, ये पूरा बिलिंग काउंटर है, अपन वो सेंसबरी में नहीं जाते वहाँ पे। ये देखो ये ना आइटम स्कैन करने का ये ऐसा मशीन है, और यहाँ पे ये सब ग्रोसरी का सामान है। जैसे देखो ये कितनी मस्त दूध की बॉटल है, यहाँ पे ये अलग अलग वेजिटेबल्स है, और यहाँ पे आप ये देखो ये इधर अंदर है ना, सब आप कॉइन्स और कार्ड ये सब डाल सकते हो। इससे आप यहाँ पे स्वाइप भी कर सकते हो। ये देखो ये कार्ड स्वाइप का मशीन है। सो ये जो है यहाँ पे ऐसे रख के ये देखो ये कार्ड स्वाइप हो गया, और यहाँ पे आप टोटल वोटल मार के सब बिल का बिल जनरेट कर सकते हो। तो नायरा को मजा आ गया। नायरा को हमेशा से ऐसा कुछ चाहिए था, बराबर कि नहीं नायरा? नायरा ने किसी के घर पे ना ये वाला सेम टॉय देखा था बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले, तो तभी उसको मन हो गया था लेने का, लेकिन उसके बाद हमने तो लेके दिया नहीं। लेकिन नसीब देखो नायरा क्या क्या, नायरा के लिए टॉय आ गया। नायरा आर यू हैप्पी? बट ओवरऑल इतनी खुश हो गई इन लोगों के आने से, इतनी फ्रेश हो गई है कि उसकी मतलब आधी बीमारी ही चली गई उसमें। तो ओवरऑल दवाई ने भी काम किया, और आज ये लोग आए, उससे बच्चों के साथ उसने खेला, इतना खेलकूद किया है तीनों बच्चों ने मिलकर कि तीनों को मज़ा आया। कैसा है कि हमें भी थोड़ा चेंज मिल गया, क्योंकि इतने 4-5 दिनों से इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे थे। काम मैनेज करो, घर का सब मैनेज करो, और साथ में बीच बीच में नायरा को फुल टाइम मैनेज करो, क्योंकि ये हफ्ते हमने उसको नर्सरी भेजा ही नहीं है। तो हम लोग भी मतलब इतना ऐसा बोलते ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, या इतने एक ही चीज़ में इतने गोल गोल घूम के इतने परेशान हो गए थे कि ये लोग आज आए तो इनके साथ थोड़ा हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, बातें की, तो थोड़ा रूटीन से भी चेंज मिला, और इन जनरल हम लोग काफ़ी फ्रेश हो गए। सो धारा, केयूर, बच्चों, थैंक यू गाइज फॉर कमिंग, हमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू फॉर दैट। और बस इसी तरह मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम लोग आगे भी उनको मिलने वाले हैं और धमाल मस्त करने वाले हैं। अभी आगे देखते जाओ, अगले हफ्ते तो दिवाली भी है। वैसे कल खुशबू ऐसा होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है, अभी वो क्या होने वाला है वो आप कल के ब्लॉग में देखना, लेकिन वो अभी आपको आज नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, कल कुछ अलग होने वाला है। एनीवे, इसी के साथ ऑन अ गुड नोट, ऑन अ हैप्पी नोट, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। It's not my birthday yet, 'cause I gotta say,